राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय नौ राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय नौ येहू का अभिषेक और राज्य। तब एलिशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलात के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यो कहता है कि मैं इसराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। तब वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में से किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं अपनी प्रजा इसराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं, तो तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजाबेल ने बहाया पलटाल मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नाश हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इज़राइल में के क्या बंध हुए क्या स्वाधीन हर एक को नाश कर डालूंगा और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यरोबाम का सा और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा और इजेबेल को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उसे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है कि यहोवा यो कहता है कि मैं इसराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। यो येहू जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सब इसराइल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलात के रामोत की रक्षा कर रहा था, परंतु राजा योराम आप अपने घाव का जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे उनका इलाज कराने के लिए इज़राइल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इज़राइल में सुनाने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर इज़राइल को चला जहां योराम पड़ा हुआ था और यहूदा का राजा अहज्याह योराम के देखने को वहां आया। इज़राइल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उससे पूछे, क्या कुशल है? तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुओं ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था परंतु लौटकर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था परंतु लौटकर नहीं आया।
हाँकना निमशी के पोते एहू का सा है, वह तो बौढ़े की नाई हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुत गया, तब इसराइल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और एहू से मिलने को बाहर जाकर इज़राइल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। एहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? एहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इज़ेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब क्या कुशल कहा? तब योराम रास फेर के और अहज्याह से यह कहकर कि हे अहज्याह, विश्वासघात है, भाग चल। तब एहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के पखौड़ों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब एहू ने बीतकर नाम अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इज़राइली नाबोती की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे यह भारी वचन कहवाया था कि यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार उसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यह देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला और एहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथी पर मारो। तो वह भी इबलाम के पास की गुर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब एहू इज़राइल को आया, तब इज़ेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब एहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन? इस पर दो तीन खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लोहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया, सो उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहा था कि इज़ेबेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इज़ेबेल की लोथ इज़राइल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहां तक कि कोई न कहेगा यह इज़ेबेल है।